बस देखिए एक बार, इतना छोटा अडाप्टर के लिए 2500 रुपये। माइक को भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, 2500 रुपये अराउंड है। लेकिन मुझे आपको तो आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका माइक का सिंबल आ गया, जो ये वाला माइक अडाप्टर अगर ना लूँ इंस्टा का, और ऐसा ही एक अगर चीज़ लूँ जिसके सहारे कि मैं इस वाले। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को हो गया पता शायद किस चीज़ के लिए आज का व्लॉग हो रहा है। पहले तो आज से एक महीने पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो कि वीडियो शायद आप लोगों को बहुत ही यूजफुल लगा होगा, जो कि Insta360 1 RS को लेके है। तो अभी आसपास थोड़ा आवाज़ है तो उसके लिए अभी माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के लिए आज का जो ये वीडियो है वो है इसका जो माइक अडाप्टर है उसके ऊपर, तो जो कि मैंने अभी अमेज़न से लाया, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर, मैं क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ तो अगर मेट्रो गली सस्ते रेट पे मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर जाके मतलब पता चला कि 2500 के नीचे एक्चुअली है नहीं। तो अगर मैं इसको एक्चुअली ऑनलाइन से लेके आया हूँ अमेज़न से, तो ये है वो माइक अडाप्टर। और इसके साथ मैंने एक ऐसा ही माइक लिया है, और ये इस चीज़ को फेंक देते हैं साइड में, और ये वाला है माइक, इस कंपनी का है माउनो। तो ये कैसा माइक होगा वो तो जब बाइक लेके निकलेंगे आप लोगों को आवाज़ सुनाएंगे इस वीडियो को एंड में कि कैसा आवाज़ आ रहा है। तो ये है वो वाला माइक, तो मतलब माइक अडाप्टर है, क्योंकि ये जो Insta360 1 RS है, ये है कैमरा, ये साइड वाला जो चीज़ है इसको एक्चुअली बाहर निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर ये माइक अडाप्टर एक्चुअली फिट होगा। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये जो है ना, मतलब आप ऐसे ही कोई माइक को एक्चुअली इसके अंदर फिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये माइक अडाप्टर के बिना होता ही नहीं है, और बेकार में आपको ये जो है माइक अडाप्टर का एक्चुअली कॉस्ट भी बहुत हाई है, मतलब 2500 रुपये अराउंड है, लेकिन मुझे ये पड़ा अराउंड 2300, क्योंकि अमेज़न में मुझे ऑफ़र मिल गया थोड़ा कार्ट के ऊपर भी, और ये भी तो ऐसा दिखता है ये वाला बॉक्स अगर आप दिखाएं तो। तो चलिए इसको ऐसे खींचेंगे, तो पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पर कुछ पैम्फलेट्स या जो भी बोले ऐसे बुकलेट्स हैं, और ये वाला है इतना छोटा अडाप्टर, अब बस देखिए एक बार, इतना छोटा अडाप्टर के लिए 2500 रुपये। चलिए इसको खोलते हैं धीरे से, ये है आपका माइक, ये है आपका कैमरा। तो यहाँ पर ये वाला ऐसे फिट हो जाएगा ऐसे ही, और ये जो कैमरा है Insta360 कैमरा है, तो ये जो आपका माइक अडाप्टर है ये ऐसे बना है कि ये वाला एक्चुअली जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये वाला चीज़ वीडियो में आएगा नहीं, जैसे इसका स्टिक मतलब वीडियो में आता नहीं है। तो अभी चलिए इसको लेके बाहर जाएंगे, बाइक में मेरा हेलमेट में पहले इसको माउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी इसको रख देते हैं साइड में, और ये माउंट मुझे मतलब सॉरी ये माइक अडाप्टर मुझे पड़ा 2500, ठीक, मतलब 2300 पड़ा मुझे ऑफ़र लेके, वैसे आप लोगों को 2500 में शायद मिल जाएगा। और ये वाला है माइक, माइक को भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, ये अंदर 2-3 मैनुअल ये है, और ये वाला अगर ओपन करे तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये वाला मतलब पाउच, और इसके अंदर ये है आपका माइक जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसको थोड़ा साइड में हटा देते हैं सब चीज़ को, ये है आपका माइक। इसके अंदर बाकी जो चीज़ है वो है आपका ये वाला चीज़, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले के थ्रू से ही एक्चुअली मतलब माइक पे, माइक अडाप्टर पे ये काम करेगा, अगर हम इसको ऐसे ही इस पर फिट कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसके इसके थ्रू ये एक्चुअली इसके अंदर जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ पर आप लोगों को 2 क्लिप भी एक्चुअली मिलते हैं, तो ये क्लिप आप यहाँ पर ऐसे लॉक कर सकते हैं, और इसको फिर आप हेलमेट के अंदर लगा सकते हैं। और आप लोग एक बार ये दोनों माइक्स का आवाज़ का डिफरेंस समझ लीजिए, अभी मैं बोल रहा हूँ अपने ये कैमरा का इंटरनल माइक से, तो ये है इंटरनल माइक का आवाज़, तो अभी मैं लगाऊंगा इसमें जो अभी माइक मैंने लिया है एक्सटर्नल माइक विद द माइक अडाप्टर। तो ये है माइक अडाप्टर के साथ आवाज़, तो आप लोग दोनों माइक का मतलब जो कैमरा का इंटरनल माइक था जो कि प्रीवियस वॉइस था, और ये जो वॉइस है ये इस कैमरा का एक्सटर्नल माइक है जो अभी मैंने लाया है, तो दोनों ऑडियो का आपने डिफरेंस शायद समझ लिया होगा। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग ये 2500 रुपये दे के ये वाला माइक अडाप्टर नहीं लेंगे और सस्ता कुछ चीज़ लगा के इसको मतलब
अगर कर लेंगे आप सोच रहे हैं तो आपको दिखा भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा एक मतलब माउंट था, मतलब माउंट नहीं ऐसे ही बोलते हैं कि इस तरफ से, मतलब ये जो चीज़ है अगर मैं इसको ना खरीदूँ, ये 2500 का ये जो है ये वाला माइक अडैप्टर अगर ना लूँ इस टाइप का, और ऐसा ही एक अगर चीज़ लूँ जिसके सहारे कि मैं इस वाले को ऐसे अगर ये करूँ कनेक्ट, और उसके साथ अगर मैं इसको कर दूँ कनेक्ट, तो आपको लगेगा ये भी हो गया कनेक्ट, लेकिन ये एक्चुअली काम नहीं करेगा। ये आपको कैसे होगा मालूम कि अगर आप इस कैमरे को ऑन करते हैं यहाँ से, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई माइक का ऑप्शन एक्चुअली आ नहीं रहा है, बैटरी का दिखा रहा है, एसडी कार्ड का दिखा रहा है, लेकिन नो माइक सिंबल। तो अगर मैं इसको हटा दूँ अभी, और इसको हटा के इसको सीधा ये वाले माइक अडैप्टर पर, और ये माइक अडैप्टर का और एक चीज़ है, यह है एक्चुअली इनपुट, और ये यहाँ से सॉरी यह है इनपुट और यह है आउटपुट एक्चुअली। तो ये अगर आपको जो दिखाना चाहता था वो दिखा लेते हैं पहले। ये अगर अभी कनेक्ट करूँ आपको, तो आप दिख रहे हैं यहाँ पर ये आपका माइक का सिंबल आ गया, जो मैं इसको जब लगाया था ये वाला सिंबल नहीं आया, तो आपका वॉइस एक्चुअली तब रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाला माइक अडैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी प्रॉब्लम है इसका, देखिए अगर आपको यहाँ पर इसके ऊपर कोई माउंट अगर ये करना हो, माउंट करना हो, तो उसके लिए भी एक शू माउंट यहाँ पर आपको अलग से लेना होगा 2000 रुपये से। तो ये एक्चुअली इंस्टा का प्रॉब्लम है कि जो भी आप लीजिए उसके लिए 1500-2000-3000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ता है, ये कैमरा का ये है। लेकिन वो गोप्रो का भी एक्चुअली है, लेकिन इंस्टा का रिलेटिवली सस्ता ही है एक्चुअली। तो ये है उसका बात, ये माइक वाला जो आपको दिखाना चाहते हैं, ये माइक सिंबल आएगा तो ही आपका काम करेगा। और ये वाला जो कैमरा का लेंस है ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा निकाला हुआ लेंस है, कहीं भी रखेंगे आप तो स्क्रैच इजीली पड़ सकता है, तो इसको बहुत ही मेंटेन करके एक्चुअली रखना पड़ता है। तो चलिए अभी इस माइक को जल्दी से हेलमेट के साथ माउंट करके आप लोगों को, ये जो माउना कंपनी का माइक है ये 500 रुपीज़ का है, तो देखते हैं इससे आवाज़ कैसा निकलता है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हेलमेट में माउंट करके, आप लोगों को इस वीडियो में वापस मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये Insta360 का रिव्यू व्लॉग नहीं देखा है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। और आप लोग अभी देख सकते हैं माइक का क्वालिटी कैसा है। अभी मेरा जो वाइज़र है वो ओपन है, तो इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो आवाज़ का क्वालिटी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो माइक अडैप्टर के साथ ये माउनो माइक लगा के, मतलब ये माउनो जो भी ब्रांड है, ऐसा आवाज़ आता है। तो आप लोग यहाँ से मतलब माइक का क्वालिटी चेक कर सकते हैं, एंड आई होप कि आवाज़ आ रहा है, क्योंकि ये मेरा पहली बार है माइक को सब कुछ के साथ मतलब कनेक्ट करके। तो अभी देखते हैं, और अभी तो शिमला का व्लॉग्स मेरा चल रहा है, तो बीच में ये वाला व्लॉग को अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग शिमला व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं बोलूँगा आप लोग जाके चैनल में वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी शिमला गए थे 1 महीने पहले, तो वही व्लॉग्स अपलोड हो रहे हैं, तो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। तो यही था इस माइक अडैप्टर का और उसके साथ ये जो ब्रांड का माइक है उसका ऑडियो क्वालिटी। तो अगर आप लोगों को ये रिव्यू व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी जो माइक अडैप्टर इस पर लगा है, तो इसका जो वाटर प्रूफ का जो ये होता है ना, वो एक्चुअली अभी है नहीं, क्योंकि ओपन है, तो अभी ये मतलब वाटर प्रूफ है नहीं जब मैं माइक अडैप्टर इस पर लगाया हूँ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।